लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया और साथ ही आपको बता दें कि ये हमला करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आचार संहिता को मोदी जी की प्रचार संहिता करार दे दिया। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबूतों के साथ 11 शिकायतें दर्ज करवाई थी जिनमें पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया गया, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई कार्यवाही नहीं की। आप भी सुने क्या कुछ कहा। चुनाव आयोग अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी निर्भीकता, अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता रहा है। आज जब प्रजातंत्र पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह के द्वारा सीधे हमला बोला जा रहा है, आज जब निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया इस देश में खतरे में है, आज जब वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर एक तानाशाही शासक और उनकी सरकार के द्वारा हमला बोला जा रहा है, तो चुनाव आयोग जिसकी संवैधानिक, नैतिक और कानूनी जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष निर्भीक चुनाव इस देश में हो, आज वो एक डरा थका असहाय और असमंजस की स्थिति में प्रजातंत्र की रक्षा में नाकामयाब और प्रजातंत्र का हनन और चीरहरण होते हुए खड़ा खड़ा देख रहा है। ऐसा लगता है कि चुनाव आचार संहिता अब मोदी जी की चुनाव प्रचार संहिता बन